हमारे फेसबुक चैनल को अवश्य लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारा न्यूज अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में तनातनी हुई। दोनों पक्ष अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मामला सदर थाना क्षेत्र के कलबगिया टोला की है। पहला पक्ष सिकंदरपुर निवासी मोहम्मद सलीम का कहना है कि यह जमीन मेरी पुश्तैनी जमीन है, जबकि हमने आज तक यह जमीन किसी को नहीं बेचा है। जबरन कुछ लोग जमीन पर अवैध रूप से बाउंड्री देकर इस पर कब्जा कर रहे हैं। इस मामले को लेकर मैंने पूर्णियापुर के सीओ को भी आवेदन दिया और सदर थाने में भी आवेदन देकर गुहार लगाया। प्रशासन से मांग करता हूं कि जमीन के कागजात की जांच की जाए। वहीं दूसरा पक्ष जीरो माइल गुलाबबाग निवासी मोहम्मद बबलू का कहना है कि मैंने इस जमीन को रोशन आरा और शकील से खरीदा है, जिसका मेरे पास कागजात है, इसलिए मैं अपनी जमीन को बाउंड्री देकर घेर रहा हूं। कुछ लोग बेवजह मेरे काम में बाधा डाल रहे हैं। यह है कि यह जमीन हमारा है और हम यहाँ घर बने थे, तो घर बने थे तो ये मस्तान और जो है हारून हाजी 25-30 आदमी ले आया, हम लोग नहीं थे और गुड्डू सब था, 25-30 आदमी ले आया और घर तोड़ उड़ के जो है गिरा दिया। तब तक हम लोग आए पूछे तो बोला कि हाँ हमारा ज़मीन है, हम लिए हैं, इसीलिए हम घर तोड़ दिए। तो हम कहे कि ठीक है, आप जो है घर तोड़े तो पता किए कि किसका घर है या कौन बना है, पूछ के तब घर तोड़ना चाहिए, बगैर पूछे हुए क्यों तोड़ दिए। तो मस्तान जी बोला कि ठीक है, हम नहीं पूछे, गलती हो गया, ठीक है जो है कागज़ पत्र लेके बैठिए दोनों आदमी। हाँ हाँ, कागज़ पत्र लेके बैठिए और उसके बाद जिसका होगा उसको मिलेगा। हम कहे अच्छा ठीक है, कागज़ पत्र लेके बैठेंगे। तो उसका बयान हो के जो है घर तोड़ने का थाना में हम इन्फॉर्म दिए, उसका बयान हो के ज़बरदस्ती आ गई है, पोल खुट्टा फिर गाड़ दिया। सी ओ सी आई कर्मचारी सब थाना में जो है कहा, दोनों पार्टी को बोला के, मस्तान को, हारून हाजी को और जो है गुड्डू को, उसका बहन शकीला, सबको कहा कि ठीक है कागजी मामला है, बैठ के जो है अपना निर्णय कर लो, तुम गलत रूप से गलत के वाला से जमीन खरीदे हो। एक खेसरा जमीन है इन लोग का केवाला में, एक खेसरा के बजाय दो खेसरा आपका केवाला में जमीन है। एक खेसरा की जमीन जो है जो वजन बनता है पार्टी देने के लिए वो तैयार है, और आप कहते हैं दो खेसरा के जमीन हमको जो है चाहिए, 34 डिसमिल या 33 डिसमिल जमीन, तो कहाँ से। हाँ अभी का मामला ये हुआ कि ये लोग जो है जबरदस्ती आके जो है यहाँ बोल, ये हारून हाजी मस्तान, उसका भाई लोग बबलू। अच्छा, ये मामला क्या आप लोग सीओ के पास लेके गए हैं? ये मामला जो है पहले चला था जो है केस, हाँ सीओ के पास गए। सीओ क्या? हाँ सीओ जो है दोनों आदमी का कागज लेके जांच पड़ताल किया। जमीन पे कभी कोई धारा 144 लगा? जमीन पर जो है धारा 144 जो है लगा, वो 2013 में। अच्छा। जो पार्टी हमारा दिया जमीन खरीदा था वो हमरे पर ये जमीन का विषय में केस किया। अच्छा। केस किया तो हम पंचायत में केस लड़े, पंचायत में केस लड़ के जो है वहाँ सवाल जवाब नहीं दिया, पंचायत द्वारा जो है वो कागज को जो है डिसलाल के यहाँ भेजा। तो हम डिसलाल के यहाँ केस लड़े, वो न्यायालय में नहीं गया, डिसलाल के यहाँ कोई सवाल जवाब नहीं दिया। अभी सीओ क्या कह रहे हैं? हाँ अभी जो है सीओ से मुलाकात नहीं हुआ, कल जो है भाई हमारा गया था, मुलाकात नहीं हुआ। ये जमीन का पूरा विवाद देखिए, हम लिए ना यही बेचा, कारू बेचा, नागोसा से जमीन बेचा, उससे पहले कि अरविंद लिया था उसके बाद हम लिए, लगभग 2006 या 2007 में जमीन हम लिए हुए, ठीक 2007 में लिए थे, वो जमीन रजिस्ट्री करा के कंप्लीट हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे, ये लोग लफड़ा लगा दिया,
अरविंद लफड़ा जाएगा, अरविंद बोला कौन जी की जमीन आपका इधर है मेरा उधर नहीं। उसके बाद अरविंद से कुछ पंचायती में हुआ, ये लोग सब थे पंचायती में बात करके हमको जमीन इधर कर दिया। बोला नहीं आपका इधर जमीन है, इधर लीजिए, तो हमको इधर दे दिया। तो इधर दिया तो भाई हमारा 3 कट्टा 5 रुपये का केवाला था, जिसमें हमको 2 कट्टा ये लोग दे रहा, तो हम उस पर विवाद भी उठाए हुए हैं कि नहीं हमको 2 कट्टा कह दिएगा, जब 3 कट्टा 5 रुपये हम पैसा दे के लिए हैं तो हमको 3 कट्टा 5 रुपये दिया जाए, या तो 5 रुपये हटा के हमको 3 कट्टा कम से कम दिया जाए। तो उस पर नहीं 2 कट्टा लीजिए, जमीन ज़्यादा नहीं है। तो हम ही लोग को विवादे में रह गए हैं, फंसे हुए हैं, अभी तक हम लोग फंसे हुए हैं। तो हम बबलू से ही बात किए, बबलू बोला ठीक है इसका समस्या का हल हम कर देंगे, हम बात आपस में करके हम निर्णय। अच्छा क्या कौन है, क्या मतलब? बबलू जी ये जमीन का कारोबार करते हैं। अच्छा, मतलब जमीन हम इनको दिए, अपना दोस्त भाई है मेरा, समझे? ये बताइए भाई है, हमको जरूरी पड़ गया, हमको जरूरी पड़ गया पैसे का, तो हम इनसे बोले तो बोले ठीक है आप हमको जो काम चला दीजिए, आप हमने बोला जमीन ले लीजिए। अभी कौन करवा रहे हैं? बाउंड्री हम ही लोग करवा रहे हैं। अच्छा है, ये बताइए कि इस मामले को लेकर सीओ के पास या एसडीओ के पास भी आवेदन गया है? हाँ आवेदन गया। क्या धारा 144 वगैरह कुछ लगा है? नहीं कुछ नहीं लगा है। और कहा जा रहा है कि जमीन पे घेराबंदी वगैरह आप भी करा रहे हैं हम सर, और इसमें कोई विवाद नहीं है, जबकि जो है थाना से खबर आए, सीओ साहब भी बुलाएं, तो हम लोग पेपर लेके गए और शनिवार के दिन पता चला कि वो लोग बैठते हैं सीओ साहब और बड़ा वो थाना पे, हम लोग पेपर लेके गए दिखाएं पेपर, तो हम विपक्ष जो पार्टी हमारे खिलाफ गए हैं वहाँ, तो उनको भी पेपर मांगे गए, सर लोग मांगे पेपर कि आप भी दिखाइए पेपर, तो वो बोले हमारे पास अभी पेपर है नहीं, हम फिर पेपर लेके हम आएंगे। तो बोले कि जब आपके पास पेपर नहीं था तो आप लोग जो है क्यों आए? तो बोले ठीक है, तो इसके लिए एक टाइम रखा जाए, तो बोले ठीक है अगले हफ्ता जो शनिवार के दिन फिर बैठेंगे उसी दिन पेपर आप लेके आइएगा। ये कौन सा शनिवार? ये अगले हफ्ता आने वाला या बीत चुका? नहीं जो बीत चुका है, तो हम फिर केवाला लेके अपना रसीद अप टू डेट, उनके बाद रोड साइड भी कटा है जो भोजन में, वो भी पैसा हम लोग को पेमेंट हुआ है, वो भी प्रूफ लेके हम सीओ साहब को दिए और बड़ाओ को दिए, देखें। तो फिर कारों से बोला देखिए इसका जो पेपर सही है, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कारो जब पूरा गिरगिराने लगे, तो देखिए हम क्या करें सर ये वो, तो सीओ साहब बोले कि देखिए आपका तो ज़मीन यहाँ है ही नहीं, अगर है तो पेपर लेके आइए, तो पेपर अभी तक वो कारो लेके आए नहीं, बस यही बात। और हमारा यही जो इस पर धाबी दे रहा है कि हमारा ज़मीन इनका बराबर है जी, तो हमारा कहना है कि हमारा पेपर जो भी है। आपने ज़मीन कब ली थी? ये 2011 में। किन से ली थी? ये क्या नाम था शकीला खातू जी। खरीदे थे और आप कितने लोगों को बेचे? हम बेचे नहीं है, हम खरीद के अपने पास रखे 33 डिसमिल। अच्छा जी, उसी को बाउंड्री हम करवा रहे हैं। तो ये जमीन अभी किसके नाम से है? ये इसके शकीला देवी के नाम से है ये जमीन जी, खातून है ना, शकीला खातून, शकीला रिया जी। उनका पेपर भी अप टू डेट थाना में भी हम दिए हुए हैं। बाउंड्री आप करवा रहे जी? तो फिर ये इनका जो दावा है कि ये जमीन उनकी है, आपके जो बगल में जाबिर साहब, ये भी जमीन हमको ही दिया है, उसी में है, उसी में वो भी बाउंड्री करवा रहे हैं, बाउंड्री करवा रहा है इस जमीन पर, जो जिससे हम लोग जमीन पे विवाद चल रहा है वो जमीन इनकी है, शकीला की है? इनका भी है, शकीला का भी। अच्छा, दोनों मिलाकर है वो? जी जी। कितनी कितनी जमीन होगी इनका? आपको 3 कट्टा 5 धूर और उनका 33 डिसमिल। बाउंड्री वालों भी कितने कट्टे? 16 कट्टा 5 धूर। वही 16 कट्टा 5 धूर टोटल में जी, और 2 कट्टा जमीन शॉर्ट कर रहा है सर इसमें। नाम क्या आपका? हमारा बबलू नाम है, गुलाबबाग 0 में। क्या करते हैं? हम ट्रक का कारोबार है।